सुल्तानपुर में शिक्षक सूर्य प्रकाश द्विवेदी की मौत पर बवाल। इंसाफ दिलाने के लिए मोनू सिंह ने दिया भरोसा। खंड शिक्षा अधिकारी मनोजीत राव की होगी मजिस्ट्रियल जांच। परिवार ने किया अंतिम संस्कार करने से इनकार। विधायक ताहिर खान ने डीएम से किया इंसाफ की मांग। मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि पीड़ित परिवार के साथ इंसाफ होना चाहिए, न्याय होना चाहिए बस। भाई को पेंशन चाहिए, मम्मी को पेंशन चाहिए, प्लस मुझे घर का एक मुझे पैसा चाहिए, मुआवजा चाहिए। ये मीडिया यूट्यूब ना होता ना तो लाश खुद ले जाके जला देते, इतने गुंडे भी हैं। नमस्कार, मैं खुर्शीद खान राजू और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम नेशन। सुल्तानपुर में प्रधानाध्यापक सूर्य प्रकाश द्विवेदी की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सुल्तानपुर जिला प्रशासन खंड शिक्षा अधिकारी मनोजीत राव के खिलाफ अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है, जबकि जिले के जयसिंहपुर विधायक राजप्रसाद उपाध्याय, राजबाबू, इसौली विधायक मोहम्मद ताहिर खान, MLC शैलेंद्र प्रताप सिंह, धनपतगंज ब्लॉक प्रमुख यशभद्र सिंह मोनू ने जिला प्रशासन से खंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए परिवार को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं। राष्ट्र प्रथम ब्राह्मण एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष करुणा शंकर द्विवेदी ने पीड़ित परिवार का हालचाल जानने के बाद मीडिया से बात करते हुए तत्काल प्रकरण में कार्रवाई करने के लिए जिला प्रशासन को चेतावनी दी। हम लोग गलत है, बहुत ही सांघ शिक्षक है, ये धरती के देवता है, प्रातः स्मरणीय है। प्रशासनिक अधिकारियों ने कल कहा कि हम तहरीर के अनुसार FIR कर लेंगे। ये लोग भले लोग, जबकि लाश BRC जाना था, वहाँ रोके, डिटेन कर रहे हैं, जबरदस्ती का उत्पीड़न भवकाल बना रहे हैं। आज घर चली आई, उनको FIR की कॉपी दे देनी थी। आज हमारे माननीय विधायक जी हैं, पूर्व विधायक हैं, वर्तमान विधायक हैं, FIR करवाने के लिए सिफारिश करनी। लाश है, एक बिटिया गिर के बेहोश होती, एक भाई बीमार है, आत्मदाह की धमकी दे रहा, किस चीज़ के लिए? इनसे कुछ मांग नहीं रहा। नियम से कि जिस आपका अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, भ्रष्टतम भ्रष्ट था, पैसा वसूली करता था, चक्की चौराहे चाय की दुकान पर प्रचार था, उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई में आप FIR कर दीजिए। शिक्षा अधिकारी कौन है? शिक्षाधिकारी इनके यहाँ क्या नाम उसका? कोई राव है। मनोजीत राव, आप सब सहयोग करें, हम दोनों नेता नहीं, आप भी पत्रकार, और बता दें, आप सबको इसलिए भी धन्यवाद है, यही मीडिया यूट्यूब न होता ना तो लाश खुद ले जाके जला देते, इतने गुंडे भी हैं। और ये चाहते क्या हैं कि घर घर में चर्चा हो जाए, खंड शिक्षा अधिकारी अध्यापकों से पैसा वसूलता, सरकार भ्रष्ट, ये सरकार की छवि धूमिल कर रहे हैं। सरकार बनाए ऊपर खूब बनाए रहे, हम बड़े सख्त हैं, अगले चौराहे पे ये तो भ्रष्ट, जानबूझ के सरकार बदनाम हो जाए। अंदर विधायक बैठे हैं, FIR नहीं हो रहा, सरकार को बदनाम नहीं, ये सरकार को उखाड़ फेंकने तक के लिए आंदोलन करवा रहे हैं। कोई भी शिक्षक पूजनीय, अभी इनके जिलाध्यक्ष जी हैं, आवाहन कर देंगे, आम जनता सड़क पे होगी, सरकार क्या करेगी? सरकार तो लोकसंच हो, इनकी तरह नौकरी थोड़ो कर रही है, ये आजीवन 60 साल तक रिटायर नहीं हो। और शर्म आनी चाहिए, एक कर्मचारी नहीं होता, शिक्षक गलती हुई है, सम्मानित होते हैं, एक जो है सोसाइट नोट है, सारे साक्ष्य हैं, स्पष्ट प्रमाण है, सारे जनप्रतिनिधियों ने कहा SDI से कि आप अध्यापक को न परेशान करिए, तो इसने इनसे पैसा दूना बढ़ा दिया कि नेतागिरी करोगे तो पैसा डबल होगा। इसमें व्यक्ति को प्रताड़ित होकर जान देनी पड़ी, मीन्स एक खंड शिक्षा अधिकारी से बचने के लिए जान देना पड़ रहा है, और यहीं पर इनके प्रशासनिक अधिकारी एक अप्लीकेशन FIR की कॉपी नहीं दे रहे, मतलब आप लूटो, हम हिस्सा लेते हैं, हम आपको बचाएंगे। सरकार तक अभी सूचना, अभी हम लोग बात करेंगे मुख्यमंत्री से, इनका फेलियर है, सुल्तानपुर जनपद के अधिकारियों का, भ्रष्ट अधिकारियों का दिन है। हाँ, तो अभी सरकार तक सूचना गई नहीं, हम लोग बात कर ले पहले, यहाँ का फेलियर है, प्रशासन का फेलियर मान रहे हैं, फेलियर नहीं, वो तो भ्रष्ट है, सबको फांसी होनी चाहिए। प्रधानाध्यापक सूर्य प्रकाश द्विवेदी की बेटी ने अपने पिता के साथ खंड शिक्षा अधिकारी मनोजीत राव के द्वारा किए गए व्यवहार के बारे में बताते हुए प्रशासन से अपने पिता के कातिल को इंसाफ दिलाने और परिवार की सुरक्षा के लिए मांग की। छोटे भाई को पेंशन चाहिए, मम्मी को पेंशन चाहिए, प्लस मुझे घर का एक मुझे पैसा चाहिए, मुआवजा चाहिए पूरा, और FIR भी होनी चाहिए, और जो भागे हैं उनको भी पकड़ना चाहिए, और सब यहाँ जो पुलिस प्रशासन है, जो कुछ है, ये लोग धमकी देकर कहते हैं, सुबह कह रहे थे कि नहीं जलाने देंगे तो यहाँ हम लाठीचार्ज करेंगे, बोल रहे थे, हाँ कह रही थी, सुबह कह रही थी, मैं सुनी भी थी, बोले कि अगर नहीं करेंगे तो हम लाठी चार्ज करेंगे, अगर जलने नहीं देंगे, लाश ले नहीं जाने देंगे, तो लाश नहीं ले जाने जाएंगे, और उनको तुरंत गिरफ्तार होना चाहिए, नहीं हम लोग खुद ही सुसाइड कर लेंगे, पूरी परिवार के साथ करेंगे हम। हाँ, बाहर बोला गया था, सुनी थी मैं, बाहर से 12 बजे से फोन आना स्टार्ट हो गया था, तो ये ड्यूटी कर रहे थे, तो मैं बोली पापा परेशान ना हो, बोले कि हमें नहीं जीना है, बार बार फोन करके परेशान कर रहे हैं, सस्पेंड कर देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, दोपहर से यही कर रहे थे।
सुबह से भी, रात में आई तब भी कर रहे थे। तो मैं बोली पापा आप सो जाओ, परेशान ना हो। फिर दोपहर में भी बोली, दोपहर से उनका जाना आना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया था। नहीं पहले कुछ नहीं बना था, बॉडी आई थी तो हम गए थे, तो दो पुलिस लेडीज होती वो डंडा लेकर आई, तुरंत मेरे पास आई, मेरे बाप हैं तो डंडा लेकर आएंगी, मारने आएंगे। जब हम गए थे पापा के पास, वहाँ गए थे जो हम गाड़ी के पास गए थे इसलिए। तो वहीं दूसरी तरफ लखनऊ से शिक्षक का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव क्योटली पहुंचा तो देखने वालों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। इस मामले में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए इसौली विधायक मोहम्मद ताहिर खान ने जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना से बात की। थाना बंदी रहा, क्या मामला कैसे क्या हुआ जरा हम जानकारी पूछा करते हैं। हाँ अच्छा, मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि पीड़ित परिवार के साथ इंसाफ होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, बस मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि पीड़ित परिवार के साथ न्याय और इंसाफ होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। एस पी महोदय, हाँ, जो जो सही घटना हो और इंसाफ न्याय होना चाहिए। ये बहुत दुखद घटना है, बहुत निंदनीय है, बहुत दुखद है, और पीड़ित परिवार के साथ इंसाफ होना चाहिए। जिस तरह से खंड शिक्षा अधिकारी मनोजीत राव की पड़तालना से तंग आकर प्रधानाध्यापक सूर्य प्रकाश द्विवेदी ने आत्महत्या कर ली, यह शिक्षा विभाग पर एक गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन पीड़ित परिवार के साथ किस तरह से न्याय करता है, जबकि अभी भी परिजनों ने अंतिम संस्कार नहीं किया। मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा परिवार वालों को समझा बुझाकर अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। ये खबर हमारे संवाददाता एडवोकेट अफजल खान और नफीस खान ने कवर की है। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर इस खबर को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर अब इस खबर से फेसबुक के जरिए जुड़े हैं तो पेज को लाइक करके फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। राहत सेवा संस्थान, सर्व मानव अधिकार, मानवता के लिए बढ़ते कदम में आप भी अपना सहयोग करें। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।